ये कहानी है जग्गी पकौड़े वाले की। जग्गी की पत्नी सीमा और जग्गी दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। जग्गी के पकौड़े लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। जो एक बार उसकी दुकान में आता है वो बार बार आना चाहता है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, एक बार खाओगे बार बार आओगे। राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकौड़े खाने का मन हुआ तो वे नुक्कड़ के पकौड़ों की सबसे फेमस दुकान यानी जग्गी पकौड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले। आज सही समय पर निकले हम दोनों, नहीं तो जब तक जग्गी की दुकान पर पहुंचते थे उसकी दुकान के सारे पकौड़े खत्म हो जाते थे। आज तो जमकर पकौड़े खाऊंगा। जग्गी के मिर्च वाले पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई कि क्या बताऊं यार। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी, उस रोज मैं उसके लिए जग्गी के पकौड़े ले आया। अरे राजू भाई क्या बताऊं, एक वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, नाराज होना तो छोड़ ही दो। राजू और दिनकर बातें करते हुए जग्गी की दुकान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे तभी उन्हें दूर से जग्गी की दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। अरे दिनकर भाई, कहीं आज भी हम लोग लेट तो नहीं हो गए? देख रहे हो जग्गी की दुकान के बाहर लोगों की भीड़। दिनकर दुकान की ओर देखता है लेकिन एक बात उसे अजीब सी लगती है। उसने देखा कि दुकान के बाहर जितने लोग थे लगभग सभी के हाथ में डंडे थे, कुछ ने पत्थर भी उठा रखे थे। अरे राजू भाई, भीड़ तो दिख रही है लेकिन भीड़ में लोगों ने डंडे और पत्थर क्यों उठा रखे हैं? कहीं कोई गड़बड़ है क्या? उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभी गुस्से में कह रहे थे, मारो मारो मारो, इसे छोड़ना नहीं है, मार इसका, मार ए मार। उसके बाद दिनकर और राजू ने देखा कि वहाँ खड़ी भीड़ जग्गी को दुकान से खींचकर बाहर निकाल रही है। बाहर निकल, बाहर निकल, निकल, आज हम तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वो सजा देंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर भीड़ में खड़े एक आदमी ने डंडे का जोर का प्रहार जग्गी पर किया। जग्गी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद तो कई लोग डंडे से उसे मारने लगे, उसके सिर से खून निकलने लगा। वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ दो है? तुम्हारे जैसे बेशर्म पकौड़े वाले को छोड़ना मतलब तुम्हें गलत काम करने की छूट देना। ये कहकर भीड़ में से ही एक आदमी ने अपने हाथ में लिया पत्थर उठाया और उसकी ओर तान दिया। ये देखकर जग्गी दुकान से निकलकर तेजी से भागने लगा। ये लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। जग्गी आगे आगे भाग रहा था और गुस्साई भीड़ उसके पीछे। राजू और दिनकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जग्गी के पीछे पड़े हैं। लोग उसे बेशर्म पकौड़े वाला क्यों कह रहे हैं? लोगों के इस तरह जग्गी पर भड़कने का कारण समझने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 410, 430, 490, 500, आज की कमाई 500, अगर इसी तरह कमाई होती रही तो तेरे लिए चांदी की पायल बनवा दूंगा। अजी मुझे पायल वायल नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो गहने की रट लगाए रहती है। हाँ गहने मुझे चाहिए लेकिन ईमानदारी के पैसे से। अरे तो मैं कौन सा स्मगलिंग कर रहा हूँ, ईमानदारी से ही तो पैसे कमा रहा हूँ। देखिए जी, ये आपको भी पता है आप कैसे पैसे कमा रहे हैं, पकौड़ों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं। अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर बवाल हो जाएगा, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। अरे तू चुपचाप रह, फालतू की बड़बड़ मत कर, मुझे जैसे बेचना है पकौड़े मैं वैसे ही बेचूंगा। जग्गी बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो पकौड़े तो बेचता था लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से। वो पकौड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल के तले दबाता और फिर पकौड़ियाँ तलता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। ये हो गए पकौड़े के गोले तैयार, अब इसे दबाता हूँ अपने गंदे बदबूदार बगल के तले। ये लो, ये दब गया, अब इसे डालता हूँ कढ़ाई में। ये कहकर उसने पकौड़ों को कढ़ाई में डाला। कढ़ाई से निकलने के बाद उसने पकौड़ों की ओर गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये लो ये हो गए मेरे असली पकौड़े तैयार। सीमा मुझे और बेसन दे, मुझे पकौड़ों के और गोले बनाने हैं। सीमा अपने पति को हर दिन ये गंदी हरकत करते देखती और उसे टोकती लेकिन वो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता था। अरे ये तो क्या हर दिन चिकचिक करती रहती है, हैं? क्या करती रहती है, मैं कोई गलत नहीं कर रहा, ये तो किताबों में लिखा है कि पसीने की कमाई का मोल ही अलग है और मैं तो पसीने की ही तो कमाई कर रहा हूँ, मेरे बगल के यानी मेरे बगल के पसीने की कमाई। अरे वही तो पकौड़ों में स्वाद भर देते हैं और लोग बार बार हमारी दुकान में आते हैं। ले तू भी खा मेरी पसीने की कमाई के पकौड़े। मुझे नहीं खाने आपके पकौड़े, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ आप ये बेशर्मी छोड़ दीजिए नहीं तो ये एक दिन आप पर ही भारी पड़ेगी।
लेकिन जग्गी पर अपनी बीवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी बेशर्मी जारी रखता और अपने ग्राहकों को जो उस पर इतना विश्वास करते थे उन्हें पसीने से सने गंदे पकौड़े देता। समय इसी तरह बीत रहा था और जग्गी की बेशर्मी भी जारी थी। इस बीच सीमा गर्भवती हो गई। सीमा बहुत खुश थी। जग्गी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश था। वाह सीमा वाह, देख रही हो भगवान की कृपा कैसे भर भर कर बरस रही है हम पर। हाँ देख रही हूँ, तभी तो आपको कहती हूँ अब तो वो काम छोड़ दीजिए, अब हमारा बच्चा आने वाला है। अरे तो फिर से शुरू हो गई, तुझे क्या दिक्कत है, है? क्या दिक्कत है मेरी तरक्की से? कभी कभी तो लगता है कि तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार फिर से जग्गी ने अपनी पत्नी सीमा को चुप करा दिया और अपनी बेशर्मी में लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम कितनी भी चतुराई से आप करें, एक न एक दिन आपका भेद खुल जाता है और फिर उसके बाद आपको उन सारे पुराने गुनाहों का भी हिसाब देना होता है जो आपने किया होता है। एक दिन की बात है, जग्गी पकौड़े बनाने के लिए पकौड़ों के गोलों को अपने बगल के नीचे दबा रहा था और धीरे धीरे कढ़ाई में डाल रहा था, तभी दूर खड़े एक आदमी की नज़र उसकी इस हरकत पर गई। अरे ये पकौड़ी वाला जग्गी क्या कर रहा है भाई? अरे छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है इसकी इस हरकत को देखकर। उसने चुपके से जग्गी का वीडियो बना लिया और फिर उसकी दुकान पर गया। ओए जग्गी, तू तो बड़ा बेशर्म है, तुम्हारे ग्राहक तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तू उन्हें गंदे पकौड़े खिलाता है? गंदे पकौड़े, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ज्यादा भोले मत बन और सच सच बता, तू पकौड़ों को तलने से पहले उसे अपने बगल के नीचे दबाता है ना? छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब, भला ऐसा कौन करता है? मैं तो पूरी सफाई से अपना काम करता हूँ। क्यों सीमा, बताना साहब को। सीमा ने जग्गी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे झुका लिया। वो ग्राहक समझ गया कि जग्गी इस तरह उसकी बातों को नहीं मानेगा। उसने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। जिसने भी उस वीडियो को देखा उसे उबकाई आने लगी। छी छी छी, बाप रे, मैंने भी तो इसके यहाँ के पकोड़े खाए थे, वो ऐसे पकोड़े बनाता है, इस तरह से तो वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। वो वीडियो 1 से 10, 10 से 100 और 100 से फिर लाखों लोगों तक पहुंचकर वायरल हो गया। उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वे सभी जग्गी की दुकान पर डंडे और ईंट पत्थर लेकर पहुँच गए। आज छोड़ना नहीं इसको, इसकी सारी बेशर्मी आज हम निकाल देंगे, मार देंगे इसे। आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक बार फिर से सभी उसकी पिटाई करने लगे। तभी उसकी पत्नी सीमा भागती हुई वहाँ आई और लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इनकी गलती माफ करने के लायक नहीं है, इन्होंने आप लोगों के विश्वास का खून किया है, आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन आप लोग इन्हें मार देंगे तो मेरा बच्चा जो अभी मेरी कोख में है उसके सिर से पिता का साया उठ जाएगा। भगवान के लिए मेरे कोख के बच्चे पर रहम कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। एक गर्भवती औरत की गिड़गिड़ाहट को सुनकर लोगों का दिल पसीज गया और उन्होंने इस वादे के साथ जग्गी की जान बख्शी की। अबे कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें छोड़ तो रहे लेकिन अब कभी इस तरह और इस जगह पकौड़े ये नहीं बेचेगा, इसे ये जगह छोड़नी होगी। सीमा ने उनसे वादा किया। जग्गी को वो जगह छोड़नी पड़ी। जग्गी को बार बार उसकी गलतियों के लिए आगाह किया जा रहा था लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और एक दिन उसी आदत के कारण न सिर्फ उसकी जान पर बनाई बल्कि उसे अपनी वो जगह भी छोड़नी पड़ी जहाँ उसकी दुकान बहुत चलती थी। आज जग्गी जहाँ भी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करता है उसके पुराने कर्म उसकी राह में आ जाते हैं। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ शेयर करें।